अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप। आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारा जो इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है, हम आज एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल करेंगे प्रॉपर तरीके से। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आ गया हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का बटन आ गया। हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके पास 5 सेकंड की ऐड आएगी। आप इस ऐड को करेंगे स्किप। या मैं स्किप ऐड पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे वो डायरेक्ट इधर आपको ले आएगा डाउनलोड के बटन पे। तो आप चाहें तो ये गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आई एक्सेप्ट और डाउनलोड। यहाँ पे हमारे पास ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से डाउनलोड हुआ पड़ा है, मैं वो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये पहले से डाउनलोड हुआ पड़ा है, मैं इसका वर्जन चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले किया था। यहाँ पे लिखा है 191 और एंड में लिखा है 312। तो हम इसका भी चेक कर लेते हैं, अभी तक यही वर्जन है, अपडेट तो नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है 919, यहाँ पे 203 आ गया। तो यहाँ पे है 312। तो यहाँ पे ये अपडेट हो चुका है, तो मैं इसी को डाउनलोड होने देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, हमने क्या करना है, शो इन फोल्डर करके यहाँ पे ये आ चुका है। हम इसको इंटर करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और रन कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिर हम नेक्स्ट पे कर देते हैं। और ये जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है ये सी ड्राइव में जा रहा है और उसके बाद हम इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, हम वेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्टार्ट एंड्रॉयड स्टूडियो फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे अब ये ओपन हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे पहले से ये डू नोट लगा हुआ है और हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है ओपन हो रहा है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे मेरे पास जो पहले भी पड़ा था डाउनलोड हो पहले से, वो था पुराना वर्जन। अभी मैंने जैसे डाउनलोड किया है यहाँ पे न्यू, तो आप भी कोशिश करें कि आप न्यू वर्जन डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे कस्टमाइज कह रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है, हम स्टैंडर्ड रख के यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। डार्क थीम करना है या ये वाला करना है, हम ये वाला कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसे पहले से चेक लगे हुए हैं लगे रहने देते हैं। और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जो जो इसको चीज़ें नहीं डाउनलोड हुई थी वो यहाँ पे डाउनलोड कर रहा है। तो
तो इसके लिए इंस्टॉल करते वक्त आपके पास नेट हो तो अच्छी बात है, ये आपको और भी ज़्यादा जो चीज़ें मिस होंगी वो आपको डाउनलोड करके यहाँ पे आपको दे देगा। तो अभी हम वेट करते हैं, इसके चीज़ें जो भी अब पहले इसने शो करवाई थी सारी हमने वो पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो अब उसको डाउनलोड कर रहा है, तो हम वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो ने अपने जितने भी कंपोनेंट उसे चाहिए थे उसने डाउनलोड कर लिए हैं। डाउनलोड करने के बाद उसने कमांड प्रॉम्प्ट या खुद ब खुद ओपन किया। अब ये चेक करते हैं ये क्या करते हैं, हम यस पे क्लिक कर देते हैं। यस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये रनिंग इंटेल ये कोई ड्राइवर है या सॉफ्टवेयर है जो इंस्टॉल कर रहा है, तो हम वेट कर लेते हैं इसके इंस्टॉल करने का। इसने देखे कितने सारे कंपोनेंट जो है खुद ब खुद इसने जो आपके जो ज़रूरत है वो इसने सारे कर दिए इंस्टॉल, और यहाँ पे नीचे लिखा आ गया सक्सेसफुल इंस्टॉल और डाउनलोडिंग भी होना स्टॉप हो गया है। तो फिनिश का बटन आ गया, हम फिनिश के बटन पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया। तो इंस्टॉल होने के बाद हम इस पे काम करते हैं, इसको क्या करते हैं एक बार ओपन करके चेक करते हैं कि ये वर्क सही तरह से काम करता है। यहाँ पे आप कोई भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बेसिक पे करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ऐप का नाम देना है, और उसके बाद क्या चीज़ है लैंग्वेज आपने कौन सी रखनी है, मैं जावा कर देता हूँ। यहाँ पे आपका जो है सपोर्ट जो करेगा एंड्रॉइड कौन से वाले को करेगा, यहाँ पे एंड्रॉइड के वर्जन है सारे, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना वर्जन। मैं यहाँ पे बेसिक पे जो पहले से ही है उसी को रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिनिश। और यहाँ पर ये हमारे पास जो ऐप जो है अब अपलोड यानी कि लोड हो रहा है यहाँ पे बनाने के लिए। तो यही था आज का हमारा टॉपिक कि हम जो है अपना इसको डाउनलोड कैसे करेंगे और इंस्टॉल कैसे करेंगे। बाकी आप जैसे जैसे हम इसको आगे सीखेंगे इस तरतीब वाइज तो इसको देखते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।